गुड मॉर्निंग एवरी वन आज हम लोग करने वाले हैं हमारा थर्ड लेक्चर जिसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे लेवल्स ऑफ डिजीज प्रिवेंशन है ना हम लोग देख चुके हैं हेल्थ अप्रोचेज चार हेल्थ अप्रोचेज हमने लास्ट टाइम की थी आज हम करेंगे लेवल्स ऑफ डिजीज प्रिवेंशन ठीक है तो प्रिवेंशन एज इट रिलेट्स टू हेल्थ इज रियली अबाउट अवॉइडिंग डिजीज़ प्रिवेंशन से आप क्या समझते हो ये हेल्थ से रिलेट करता है और किस बारे में है ये डिजीज़ को अवॉइड करना इससे पहले कि वो स्टार्ट हो पहले ही रोकथाम करना इट हैज़ बिन डिफाइंड एज द प्लान्स फॉर एंड द मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ अ डिजीज और अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स बिफोर द अकरेंस ऑफ द अनडिज़ायरेबल हेल्थ इवेंट देखिए इसको कैसे डिफाइन किया गया है कि ये प्लान करता है और कुछ मेजर्स लिए गए हैं किसके लिए प्रिवेंट करने के लिए रोकने के लिए किसी भी डिजीज़ के होने से पहले रोकने के लिए या फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स को होने से पहले रोकना है हमने बिफोर द अकरेंस ऑफ द अनडिज़ायरेबल हेल्थ इवेंट इससे पहले कि जो इस हेल्थ इवेंट को हम नहीं चाहते हैं वो हो उसको हमने रोकना है ठीक है तो यहाँ पे चार डिस्टिंक्ट लेवल्स हैं इलनेस प्रिवेंशन के देखिए आउटलाइन में उन्होंने दिया था प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी लेवल बट यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि फोर लेवल्स हैं इलनेस प्रिवेंशन के दीस लेवल्स हेल्प करते हैं इंडिविजुअल टू तो प्रिवेंट हिम और हर फ्रॉम गेटिंग एनी डिजीज़ इन लेव... ये लेवल्स क्या करेंगे आपका कोई भी डिजीज़ होने से पहले ही आपको प्रिवेंट कर देंगे उस डिज़ीज़ को होने से पहले ही उसको रोक देंगे है ना प्रिवेंशन की डेफिनेशन क्या है आप प्रिवेंशन से क्या समझते हो तो एक डेफिनेशन आप लोग कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से कि प्रिवेंशन इज़ द एक्शन एम्ड एट इरेडिकेटिंग, एलिमिनेटिंग और मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजीज एंड डिसबिलिटी ये डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है आपकी इससे आप क्या समझेंगे प्रिवेंशन एक एक्शन होता है और उसका उस एक्शन का एम क्या होता है एरेडिकेट erid, erid, करना किसी भी चीज़ को मिटाना एलिमिनेट करना या हम कहें ना कम से कम कर देना मिनिमाइज कर देना किसी भी डिजीज़ के इम्पैक्ट को और डिसबिलिटी को इसको बोलते हैं हम प्रिवेंशन ये यहाँ पे आपका चार्ट आ चुका है लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन का है ना तो डिफरेंट लेवल्स आपने इसमें प्रिवेंट प्रिवेंशन के अलग अलग लेवल्स डिपिक्टए हुए हैं पिक्चर्स में लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन आ गया आपके प्राइमोडियल प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल्स है ना और आपका आ गया टारगेट पॉपुलेशन इसमें आ गया आपका गोल्स अंडरलाइन क्लिन अंडरलाइन क्लिनिंग क्लिनिकल कोर्स ऑफ डिजीज भी आ चुका है आपका तो प्राइमरी मॉडियल में आप देख सकते हैं ये जनरल पॉपुलेशन पे अप्लाई होता है और आपका इसका गोल क्या होता है कि भाई डिजीज़ के रिस्क को कम से कम करना है रिड्यूस करना है ठीक है और इसके बाद आता है आपका प्राइमरी लेवल प्राइमरी लेवल से आप क्या समझ रहे हो यहाँ पे प्राइमरी लेवल का जो टारगेट पॉपुलेशन है वो ससेप्टिबल है और आपके गोल्स क्या हैं इसमें रिड्यूस रिड्यूस डिजीज इंसिडेंस डिजीज का जो इंसिडेंस है उसको कम से कम करना है पहले प्राइम मॉडल में क्या था रिस्क को रिड्यूस करना है प्राइमरी में है रिड्यूस डिस डिजीज इंसिडेंस को रिड्यूस करना है और आपका सेकेंडरी आता है इसका टारगेट पॉपुलेशन है एसिम्टोमेटिक और इसका गोल है आपका रिड्यूस प्रिवलेंस और कॉन्सिक्वेंस डिजीज हो चुकी है अब उसके परिणाम को कम से कम करना है तो उसके लिए आपका आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन लेवल और इसके लिए जो ये अंडरलाइन क्लिनिक क्लिनिकल कोर्स जो है डिजीज़ का वो क्या है फर्स्ट डिटेक्ट और लीशन आप इससे क्या समझते हो कि भाई पहली बार डिटेक्ट करना है हमने डिजीज़ हो चुकी है अब हम उस डिजीज़ को डिटेक्ट करेंगे है ना सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट पढ़ते हैं है ना तो आपका फोर्थ लेवल आ चुका है टर्शरी लेवल और इसमें आता है आपकी टारगेट पॉपल, पॉपुलेशन आ गई सिम्टोमेटिक है ना और आपका इसमें गोल आ गया रिड्यूस कॉम्प्लिकेशंस और डिसेबिलिटी अब ये जो कॉम्प्लिकेशन आ रही थी मतलब क्रॉनिक डिजीज़ हो चुकी है उसमें कॉम्प्लिकेशन है डिसेबिलिटी है उसको रिड्यूस करना है और टेस्टरी लेवल में जो क्लिनिकल अंडरलाइन क्लिनिकल कोर्स है डिजीज़ का वो आपका क्या आता है फर्स्ट सिम्पटम क्या आया है डिजीज़ का ठीक है और इसके आगे से हम क्या करें ये लास्ट में दिया हुआ है आपका अगर डेथ होने अगर डिजीज फेटल है तो कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा ये चार्ट बता रहा है आपका क्लासिकल क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज़ का पहला आता है आपका प्राइमोडियल प्रिवेंशन ठीक है क्या दिया है इसमें नाइनटीन सेवेंटी एट में कौन थे उन साइंटिस्ट uh, कौन थे स्ट्रेसर थे इन्होंने क्या दिया था प्राइमोडियल प्रिवेंशन टर्म इन्होंने दी थी ठीक है इसका मतलब क्या होता है टू मेन एक्टिविटीज दैट प्रिवेंटेड देशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स इन टू पॉपुलेशन पॉपुलेशन में जो रिस्क फैक्टर्स हैं कोई भी बीमारी को होने के लिए उसको कम से कम कर देना ये इसका मेन एक्टिविटीज होती हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन की बेसिक आइडिया क्या है इस टू इंटरवीन इन ऑर्डर टू स्टॉप द अपेयरेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स इन द पॉपुलेशन पॉपुलेशन में रिस्क फैक्टर्स जो दिख रहे हैं उसको रोकथाम करनी है उसको स्टॉप करना है सबसे जो उसका इंटरवेंशन है उसको यही बोलते हैं कि जो अपर टू स्टॉप द इंटरवेंशन अगर आपसे इसका कोई पूछे तो टू स्टॉप द अपियरेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स इन द पॉपुलेशन और प्राइमोडियल प्रिवेंशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स सिंपल है आपका रिस्क फैक्टर्स का प्रिवेंशन करना है खुद से बिगिनिंग विध चेंज इन सोशल एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस आपके सामाजिक कंडीशंस को चेंज करके आपके एनवायरमेंट में चेंजेस करके जहाँ पे ये फैक्टर्स ऑब्जर्व किए जाते हैं डेवलप करने के लिए और कंटिन्यू करने के लिए हाई रिस्क टू डेवलप एंड कंटिन्यू इन हाई रिस्क चिल्ड्रन अडोलसेंट एंड यंग एडल्ट तो देखो सबसे ज्यादा बीमारी बढ़ने के कारण सबसे ज्यादा पहले बीमारी किसको पकड़ती है बच्चों को पकड़ती है, है ना तो हाई रिस्क चिल्ड्रंस को आपको इनमें रिस्क फैक्टर्स को ऑब्जर्व करना है कि इनमें डेवलप तो नहीं हो रहे हैं जो हो गए आपके टीन्स आ गए उसमें और आपका जो यंग एडल्ट्स हैं आपके एटीन ईयर्स जैसे हम लोग हैं एटीन प्लस वाले यंग एडल्ट्स में तो इनमें रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा होता है तो यहाँ पे इनको ऑब्जर्व करना है और इन सब चीज़ों को रोकथाम करनी है एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल और सोशल कंडीशंस में चेंज लाना है इसके बाद में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि टू चेंज दिल मिली दैट प्रमोट्स मेजर रिस्क फैक्टर डेवलपमेंट मेजर रिस्क फैक्टर डेवलपमेंट को होने से जो मेजर रिस्क फैक्टर डेवलपमेंट इस आ, ये जो चीजें हैं इनको सबको रोकना है रिस्क फैक्टर को कम से कम करना है तो इसकी स्ट्रैटेजीज आपकी क्या आती है प्राइमोडियल प्रिवेंशन के अंदर तो इन इसकी स्ट्रैटेजीज क्या हैं हेल्थ एडुकेशन सबसे पहले आपका आता है हेल्थ के प्रति एडुकेट करना लोगों को है ना दूसरा आता है आपका एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन तीसरा आता है आपका गुड फूड एंड न्यूट्रिशन रेगुलर फ़िजिकल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग यूज़ हेल्दी यूज़ ऑफ़ लीजर टाइम एंड एनकरेजिंग सोशल एक्टिविटीज़ इंश्योरिंग बेसिक नीड्स ऑफ ऑल सच एज फूड हाउसिंग एक्टेट्रा तो आपका हेल्थ एडुकेशन में क्या आ गया मेन इंटरवेंशन क्या है लोगों को एडुकेट करना कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें और हार्मफुल हैबिट्स को डिस्करेज uh, करें इन सब हार्मफुल हैबिट्स को दूर रखें स्मोकिंग ना करें ठीक है ज़्यादा काब्ज वाला फूड ना खाएं मोटे ना हो तो एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन आप क्या करोगे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स जो आ जाती हैं जैसे कि ओबेसिटी और हाइपरटेंशन देखने के लिए सबसे ज़्यादा मिलता है और इसकी जो ओरिजिन होती है वो चाइल्डहुड बचपन से ही शुरू होती है क्योंकि ये वो समय होता है जब लाइफ स्टाइल फॉर्म हो रहे होते हैं एग्जाम्पल स्मोकिंग ईटिंग पैटर्नस आ जाते हैं आपके फ़िज़िकल एक्सरसाइज आ जाती है आ जाती है तो इन सब चीज़ों से ये बीमारियाँ लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं तो हमें इससे क्या सीखने को मिल रहा है जिस एज में हम लोग हैं एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमें ओबेसिटी ना हो और सबसे बड़ी बात है एक्सरसाइज करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमें हाइपर ना हो इसलिए भी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है इन्वायमेंट में मॉडिफिकेशन लाना ज़रूरी है तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन बिगेन होती है चाइल्डहुड में एनवायरमेंट को मॉडिफाई करके ये हो गया आपका प्राइमोडियल प्रिवेंशन आज के लिए और इसके जो दो पॉइंट्स और हैं वो क्या है इंश्योरिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंस अच्छा होगा तो टेंशन कम होगी और प्राइम और आपका अगर प्रिवेंशन ऑफ अब्यूज़ अगेंस्ट वर्लरेबल पॉपुलेशन अब्यूज़ को रोकना है वल्नरेबल पॉपुलेशन पौप, के लिए